प्रियदर्शनी, क्या आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है मॉडलिंग एजेंसी के नाम पर, टैलेंट सप्लाई के नाम पर आपको इस तरह के अनैतिक ऑफर दिए गए हो? सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं। दीपक जी, जो बात आप अभी कह रहे हैं, मैं उससे पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। और सबसे पहली बात कि जो क्वान एजेंसी की आप बात कर रहे हैं, वहां से आपको खुले आम, और ये ऐसा नहीं है कि कोई मैं सुनी सुनाई बातें बोल रही हूँ, ये बातें मेरे साथ गुजरी हैं और मुझे मालूम है कि वहां पे ये क्या होता है। क्वान एजेंसी के साथ आप नेम कर रही है प्रियदर्शनी एजेंसी को? अगर आप नेम कर रही है तो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज में चलाया जाए, क्या कह रही है प्रियदर्शनी, उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाया जाए, सिलसिलेवार ढंग से बताइए प्रियदर्शनी। कर रही है मैं शोर शॉट, ये चीजें बीतती हैं, ठीक है। उनके पास जब आप अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं, तो जैसे ही आप अपना प्रोफाइल लेके जाते हैं उनके पास, तो यू नो दे ट्राई टू बी वेरी फ्रेंडली। सो वन ऑफ द कंसल्टेंट विल आपसे ना बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी मनमोहक बातें करने की कोशिश करेंगे, वो आपको हाई एंड प्रोफाइल पार्टीज में भी बुलाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है वाओ कितना अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आप 21-22 साल के होते हो, आपके अंदर एक होता है कि नहीं यार मैं इतनी दूर से आई हूँ, अपना करियर बनाने के लिए आई हूँ। एंड देन उसके बाद मैं दीपक जी बोल रही हूँ कि उसके बाद ये पूरा का पूरा नेक्सस काम करना शुरू करता है, आप समझ रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि किसी बड़े डायरेक्टर, किसी बड़े एक्टर की नजर अगर उस लड़की पे पड़ गई, सो दैट डायरेक्टर, दे आर सो स्मार्ट पीपल, दे आर सो कनिंग पीपल, कि वो डायरेक्टली उस लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि इस तरीके से अगर वो अप्रोच करेंगे तो वो फंस जाएंगे।